धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाल तूने आगे भी अगुवाई कर, अभी तक हमको संभाल तूने आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया से। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने मुझ पापी पर दया की और इस अवसर को मेरे जीवन में दिया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आगरा मसीह मंडली के सभी पेज के लिए, ब्रदर डेविड के लिए, सिस्टर सबनम के लिए, जिन्होंने अपने पेज पे मुझे अवसर दिया। आज का जो टॉपिक है प्रियो, वो है ट्रू सक्सेस। जी हाँ, आज आप और मैं इस संसार में सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। बच्चे जो हैं वो इतना मेहनत कर रहे हैं कि अच्छे एजुकेशन को अचीव कर सकें, अच्छे रिजल्ट को अटेम्प्ट कर सकें। पेरेंट्स जो हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अच्छी इनकम को पा सकें, अच्छे जॉब को पा सकें और अपने बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी, थैंक यू जीसस, डेवलप कर सकें। हर कोई आज सक्सेस चाहता है। सक्सेस यानी कि पैसा, सक्सेस यानी कि नाम, सक्सेस यानी कि संपूर्ण जीवन, हर कोई सक्सेस चाहता है। लेकिन आपको पता है वचन कहता है, वचन में सक्सेस का राज छुपा हुआ है। वचन के द्वारा अगर हम चलते हैं, परमेश्वर के द्वारा अगर हम चलते हैं, तो सक्सेस बहुत ही आसानी से हमारे जीवन में मिल जाता है प्रियो। और ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है और आज इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, एक पद और गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके बाद आज सेशन की शुरुआत करेंगे। सनातन के परमेश्वर के द्वारा हम इस सक्सेस को अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद महान दयालु कृपालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर का, दिन भर का सबसे खूबसूरत समय जब आपकी नजदीकी में, आपकी हुजूरी में आते हैं, आपकी इबादत के लिए आते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। वचन आपका सुनने वाले खुदा बाप आपके हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी आज इस आगरा मसीह मंडली एफबी पेज के द्वारा आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं प्रभु, वो वचन उनके हृदय में फले, बसे, फूले और 100 गुना फल लाए। खुदा बाप, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ब्रदर डेविड के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए प्रभु। इस बोझ को जो भाई और बहन के जीवन में आपने दिया, इनकी अगुवाई करिए, इन्हें सामर्थ दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर
जितने भी स्लॉट इस पेज में चलते हैं प्रत्येक स्पीकर्स को, पास्टरों को, पासवानों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु आपने जैसे मूसा की अगुवाई की, मेरी भी अगुवाई करिए, मुझे सामर्थ को दीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ, आप बढ़े मैं घटूं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो बहुत सारे भाई बहन आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत सारे परमेश्वर को प्यारे हो गए, प्रभु में सो गए, लेकिन उनको भी सक्सेस का अधिकार था। हर एक मनुष्य को सक्सेस का अधिकार है, हर कोई अपने जीवन में बढ़ना चाहता है। और परमेश्वर ने कहा भी, परमेश्वर ने आदम से कहा, हे आदम तेरे कारण पृथ्वी श्रापित है, लेकिन परमेश्वर ने काम को श्राप नहीं दिया, यानी कि परमेश्वर ने सक्सेस को श्राप नहीं दिया। लेकिन फिर भी क्यों आज हम मनुष्यों के जीवन में सक्सेसनेस नहीं है, सक्सेस हम फुली नहीं है, सक्सेसफुली हम लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं? क्यों कई बार हम बिजनेस चेंज कर लेते हैं, कई बार हम जो बच्चे सब्जेक्ट लिए रहते हैं वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं कि नहीं हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। कई लोग अपने जॉब को चेंज कर लेते हैं कि हमको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। जिस अचीवमेंट को वो पाना चाहते हैं, जिस जगह पे, जिस पोजीशन को वो जाना चाहते हैं, वो पोजीशन कई बार उनके जीवन में नहीं मिल पाती है। कारण क्या है? वचन की चलिए शुरुआत करते हैं। सपोपदेशक चैप्टर 2 वर्स 4 टू 5 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां सपोपदेशक का लेखक सुलेमान लिखता है, मैंने बड़े बड़े काम किए। जी हाँ, यहाँ राजा सुलेमान की बात हो रही है, जिसने बड़े बड़े काम किए। मैं अपने लिए घर बना लिया, दाख की बारियां लगाई, बाग फलदायी वृक्ष लगाए, मैंने सोना और चांदी और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल पदार्थों का संग्रह किया, यानी कि म्यूजियम रखा, उसमें हर एक चीज था, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थरों के सामानों से वो भरा हुआ था। मैंने गवैये, गाने वाले, दास दासियां, कामिनियां, जिससे मनुष्य सुख पाते हैं, अपनी कर ली। ये बोल रहा है किंग, एक लेवर किंग सपोपदेशक का लेखक, यानी कि राजा सुलेमान बोल रहा है कि इतना सारा अचीवमेंट मैंने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। आज हो सकता है आप और मैंने भी बहुत सारा अचीवमेंट अपने जीवन में प्राप्त कर लिया हो, एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छी फैमिली हो, अच्छे बच्चे हो जो हमारे बातों को मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हमको फील होता है आज भी कि परमेश्वर वो एक सक्सेस, वो एक पद, वो एक प्रतिष्ठा, वो एक मान आज मेरे जीवन में नहीं है। कहीं ना कहीं हमको ये फील होता है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को फील होता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं अपनी स्टडी को लेकर, लेकिन वो सक्सेस हम नहीं पा पा रहे हैं। एज ए पेरेंट्स हमको फील होता है कि हमारे बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो 80% से अबव नहीं जा पाते हैं। हर तरह कहीं ना कहीं हम सक्सेस की खोज में हैं, आज सक्सेस की खोज में हैं। तो अभी सपोपदेशक चैप्टर 2 हमने पढ़ा और आगे वचन में जाने से पहले एक छोटे से स्टोरी से शुरुआत करूंगी। पॉल गेटी, जो विश्व के सबसे रईसों में गिने जाते थे, 26 की एज में वो रिटायर हुए। जी हाँ, 26। जब कोई यंग मैन या यंग वुमेन अपने अचीवमेंट का जर्नी स्टार्ट करती है, डेट टाइम इनको रिटायरमेंट मिल रहा है, इन एज ऑफ 26। पॉल गेटी इनका नाम। 5 पत्नियां, 4 बच्चे, इतना पैसा कि उनको 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना पड़ा। विश्व का रईस व्यक्ति है ना, ये लोग सोचते हैं ये सक्सेस है प्रियो, तो ये सक्सेस नहीं है। वचन के द्वारा ये सक्सेस नहीं है। इस सक्सेस से हम अपने जीवन में संतुष्टि को नहीं प्राप्त कर सकते कि हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, अब हम सक्सेस हैं। तो ये आपका नजरिया गलत है, वचन इसको क्लेम नहीं करता है, है ना, कि आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया और आप सक्सेस हैं। सक्सेस वो है जिस पद और प्रतिष्ठा में बैठकर हमें एक असीम शांति और एक असीम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, वो सक्सेस कहलाता है। चलिए लूक चैप्टर 12 अगर हम रीड करते हैं तो वहां पर यीशु मसीह एक एग्जांपल दे रहे हैं एक धनवान व्यक्ति के बारे में। एक धनवान के घर में बहुत बड़ी उपज हुई, यानी कि बहुत खेती बाड़ी में बहुत धन का प्राप्ति हुए, और वो व्यक्ति कहता है कि अब अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। एक धनवान व्यक्ति जिसे अगर बहुत ही उपज हुई अनलिमिटेड, और उसने कहा अब मैं इसे स्टोर करके जीवन भर के रखूंगा ताकि मैं चैन से अपनी लाइफ को क्या कर सकूं,
इंजॉय कर सकूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने उससे कहा हे मूर्ख, पहला वर्ड जो उसके लिए यूज किया परमेश्वर ने वो किया हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो तू कुछ तूने इकट्ठा किया कलेक्ट किया वो किसका होगा। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में कई देशों में बाढ़ आ रहे हैं, लोग बेघर हो जा रहे हैं, लोगों के घर में पानी डूब भर जा रहा है, सारी सुविधाएं बंद है, लोग जाकर भी बैंक से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये स्थिति गंभीर हो गई तो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट को अलाउंस कर देगा। हो सकता है किसी ने ज्यादा पैसा जमा किया हो, गवर्नमेंट क्या करेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट अलाउंस कर देगा और वो लोगों में डिवाइड हो जाएगा। क्या बोल रहा है वचन, यीशु मसीह एक एग्जांपल दे रहे हैं एक धनवान व्यक्ति के बारे में।